हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सर्वाइकल इनसफिशिएंसी या फिर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। तो ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। द इनएबिलिटी ऑफ द सर्विक्स यूटेराइन सर्विक्स टू रिटेन ए प्रेगनेंसी इन द एब्सेंस ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और लेबर और बोथ इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। मतलब इसका क्या मतलब होता है, जो यूटेराइन जो सर्विक्स होती है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की एब्सेंस में या फिर जब लेबर नहीं हो रहा हो उस समय वो जो प्रेगनेंसी को होल्ड करने में असक्षम होती है, वो प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर पाती है, प्रेगनेंसी को रिटेन नहीं कर पाती है। ठीक है, अब ये मोस्टली सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं नॉर्मल जो एनाटॉमी होती है वो। इसमें हम देख रहे हैं यूट्रस की एनाटॉमी देख रहे हैं हम। इसमें फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ओवरीज हैं एंड ये सर्विक्स है। सर्विक्स का ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओस एंड देन वेजाइना। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉजेज क्या क्या होते हैं इसके। तो इसके दो कोज मेनली होते हैं, फर्स्ट इज कंजेनाइटल एंड सेकंड इज एक्वायर्ड। कंजेनाइटल में क्या क्या बोल सकते हैं हम, कंजेनाइटल में क्या क्या हो सकते हैं कि जैसे सर्विक्स की शेप में कोई एबनॉर्मलिटी हो ड्यू टू मुलेरियन डिसजेनेसिस, जिसमें सर्विक्स की स्मॉल साइज सर्विक्स भी हो सकती है, या सेप्टेट यूट्रस में भी सर्विक्स की एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है, एंड कनेक्टिव टिश्यू एबनॉर्मलिटी भी हम देख सकते हैं कंजेनाइटल इसमें कॉजेज में। सेकंड है एक्वायर्ड कॉजेज, जिसमें सर्विक्स पे इंजरी हो सकती है एक्वायर्ड में। तो इंजरी किस किस वजह से हो सकती है, सर्जिकल कोई प्रोसीजर किया जाए तो उसकी वजह से भी सर्विक्स पे इंजरी हो सकती है। सर्जिकल प्रोसेस में जैसे फोर्थरगिल प्रोसेस होता है, जिसके अंदर जो प्रोलेप्स यूट्रेन की कंडीशन होती है उसमें करेक्शन किया जाता है, तो उस कंडीशन में भी सर्विक्स पे इंजरी होने के चांसेस होते हैं। एंड कुछ सर्वाइकल कार्सिनोमा के लिए भी कुछ प्रोसीजर किया जाता है, जो जिसको बोलते हैं लूप इलेक्ट्रो एक्सीजनल प्रोसीजर, जिसमें सर्विक्स के सेल एंड टिश्यू को रिमूव किया जाता है। ठीक है, और कुछ और भी कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से सर्विक्स में इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से सर्विक्स में कट लग जाते हैं, सर्विक्स ओपनिंग में कट लग जाते हैं। ठीक है, या फिर सर्वाइकल टीयर हो जाता है इनको ड्यू टू फोर्सफुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, अब इसके डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं। हमने डेफिनेशन देख ली, डायग्नोसिस अब देखते हैं। डायग्नोसिस में हम क्या क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इज हिस्ट्री लेंगे हम पेशेंट की। तो हिस्ट्री में क्या क्या हो सकता है, उसकी उस प्रीवियस जो उसकी प्रेगनेंसी थी उसमें उसको पेनलेस एक्सपल्सन ऑफ वायबल प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर पेनलेस एक्सपल्सन ऑफ फीटस हो सकता है इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, या फिर पेशेंट हैवी फील कर सकती है, पेल्विक हैवीनेस, या फिर प्रेशर फील होगा पेशेंट को, या फिर प्रोफ्यूज म्यूकस डिस्चार्ज होगा पेशेंट को, या फिर प्री टर्म रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन की हिस्ट्री भी हो सकती है, एंड सर्विक्स डायलेटेड होने के बाद में बल्जिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स भी हो सकता है, जिसमें कि एमनियोटिक फ्लूड एक बेलून लाइक स्ट्रक्चर में हमको दिखाई देती है जब हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो। ठीक है, देन उसके बाद में हम उसमें करेंगे स्पेक्युलम एग्जामिनेशन। तो स्पेक्युलम एग्जामिनेशन में हमको क्या क्या देखने को मिल सकता है कि कोई शॉर्ट सर्विक्स हमको देखने को मिल सकती है, या फिर कुछ पुराना टीयर हो सर्विक्स पे, ओल्ड टीयर्स। ठीक है, या फिर लेसिरेशन देखने को मिल सकता है, या फिर एविडेंस ऑफ प्रीवियस सर्जरीज भी देखने को मिल सकती है। एंड
उसके बाद में हम पेशेंट की यूएसजी करके देखते हैं। यूएसजी में हम सर्वाइकल लेंथ की मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि उसमें सर्वाइकल मेजरमेंट लेंथ जो होगी वो इस कंडीशन में लेस देन 30 एमएम की होगी, एंड जो इंटरनल ओस का डायमीटर होगा वो मोर देन 20 एमएम का दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं फनलिंग ऑफ इंटरनल ओस। फनलिंग ऑफ इंटरनल ओस में हम क्या देखते हैं, इसमें क्या होता है कि जो फंडल प्रेशर की वजह से इंटरनल ओस होती है उसका डायलिटेशन हो जाता है, ठीक है। जो सर्वाइकल कैनाल होती है उसके जो इंटरनल पार्ट होता है उसका डायलिटेशन हो जाता है, एंड उसकी लेंथ भी डिक्रीज हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो इंटरनल ओस है वो वी शेप में या फिर टी शेप में या वाई या यू शेप में देखने को मिलता है। देन अब हम इसका देखते हैं ट्रीटमेंट कि अब इसको करेक्ट कैसे किया जाता है सर्वाइकल इनसफिशियंसी को। तो इसके लिए दो तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है, सर्जिकली ट्रांस एब्डोमिनल एंड ट्रांस वेजाइनल। तो ट्रांस वेजाइनल में भी दो टाइप से होता है। फर्स्ट है इसका सर्कलेज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट होता है कि मैकडोनाल्ड सर्कलेज एंड सेकेंड होता है मॉडिफाइड सिरोजगंज सर्कलेज। फर्स्ट मैकडोनाल्ड सर्कलेज में क्या करते हैं कि जो सूचरिंग की जाती है सर्विक्स के अराउंड, ठीक है, जिसकी वजह से सर्विक्स टाइटनिंग हो जाएगी, ठीक है। और वो सर्विक्स कैसे की जाती है, पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसको पोजिशनिंग दी जाती है। लिथोटोमी पोजिशनिंग में पेशेंट को लिटाया जाता है एंड स्पंज होल्डर की हेल्प से जो सर्विक्स लिप्स ऑफ सर्विस को फिक्स किया जाता है एंड देन सूत्रिंग परफॉर्म की जाती है, ठीक है। इसमें सूत्रिंग कैसे करते हैं कि इसमें सूत्रिंग 12 जैसे कि 12 क्लॉक से स्टार्ट होके 9 ओ क्लॉक्स, देन फ्रॉम 9 ओ क्लॉक्स टू 6 ओ क्लॉक्स, देन 6 ओ क्लॉक टू 3 ओ क्लॉक एंड देन 3 ओ क्लॉक टू वापस 12 ओ क्लॉक, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। देन लास्ट में सेकंड जो लास्ट में जो दो एंड होते हैं सूचर्स के उनको खींच लिया जाता है, जैसे एक पर्स में जो डोरियां होती हैं उसको खींच के पर्स को बंद किया जाता है, वैसे ही इसमें होता है दोनों सूचर्स की दोनों एंडिंग्स को खींच के सूचर्स को खींच के बंद कर दिया जाता है, देन नोट लगा दिया जाता है, ठीक है। सेकेंड देखते हैं मॉडिफाइड सिरोजगंज सर्कलेज। इसमें क्या होता है कि इसमें भी सर्विक्स पर जो सर्विक्स की टाइटनिंग की जाती है उसमें इसमें यूज होता है मर्सलिन टेप का यूज होता है, लेकिन मैकडोनाल्ड में हमने नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज किया था, इसमें मर्सलिन टेप आती है उसका यूज किया जाता है। और इसको किस कंडीशन में करते हैं, जब मैकडोनाल्ड जो प्रोसीजर होता है वो प्रीवियस में फेल्ड हो गया हो, उस कंडीशन में इसको सेकंड इसको सिरोजकल सर्कलेज को करते हैं। और इसको फ्रॉम द लेवल ऑफ इंटरनल ओस, इसको एट द लेवल ऑफ इंटरनल ओस पे इसको किया जाता है, ठीक है। इसमें भी टेप को अराउंड द सर्विक्स फिक्स किया जाता है। देखिए ये है सिरोजकल सर्कलेज एंड ये है मर्सलिन टेप। देन इसमें देख रहे हैं हम कि मैकडोनाल्ड सर्कलेज एंड सिरोजकल सर्कलेज दोनों किस पोजीशन पे किया जाता है। देन अब देखते हैं कि सूचर को रिमूव कब किया जाता है। पहले देखते हैं कि सूचर लगाया कब जाते हैं, टाइम ऑफ सर्जरी क्या होती है। इसको 12 टू 14 वीक ऑफ जेस्टेशन पे इसको परफॉर्म किया जाता है सूचर्स को। और अगर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन की है तो उसमें भी इसको परफॉर्म किया जाता है। और अगर यूएसजी में फनलिंग ऑफ सर्विक्स या शॉर्ट सर्विक्स दिखाई दे रही है तो उसमें भी इस प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है, लेकिन बिफोर 10 वीक ऑफ जेस्टेशन इसको परफॉर्म नहीं किया जाता।
एंड इसको सूचर्स को रिमूव कब किया जाता है, 37 वीक के कंप्लीट होते ही इसको सूचर्स को रिमूव किया जाता है। देन उसके बाद में देखते हैं कि आफ्टर केयर पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या हो सकती है पेशेंट, केयर क्या हो सकती है पेशेंट के लिए। तो एंटीबायोटिक देंगे पेशेंट को, जैसे सिफोटेक्सिम, अमोक्सिसिलिन वगैरह, ये सब पेशेंट को देंगे। टोकोलाइटिक्स एजेंट देंगे पेशेंट को, ताकि यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन या यूटेरन इरिटेबिलिटी हो रही है उसको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, पेशेंट को बेड रेस्ट देंगे फॉर फर्स्ट 24 आवर्स। ठीक है, उसके बाद में कुछ और भी पोस्ट ऑपरेटिव केयर है जो हम दे सकते हैं, जैसे कि सेडेशन दे सकते हैं पेशेंट को, ताकि वो काम रहे एंड रेस्ट एंड स्लीपी मोड में और इमोबिलाइज रहे पेशेंट 24 आवर्स तक। और प्रोजेस्ट्रॉन भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे फॉर अवॉइड ऑफ कोइटस। देन इसके कॉम्प्लिकेशन देखते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कोरियोएमनियोनाइटिस हो सकता है, कोरियोन या एमनियोन में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो सकता है, वल्वोवेजाइनाइटिस भी हो सकता है, या फिर ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है, प्रीटर्म लेबर हो सकता है, या जो है डीप सर्वाइकल लेसिरेशन भी इसमें हो सकता है। देन लेट कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या देखने को मिलेगा, फिस्चुला फॉर्मेशन हो सकता है पेशेंट में। फिस्चुला क्या होता है कि दो ऑर्गन्स के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन, तो फिस्चुला का फॉर्मेशन भी हो सकता है, या फिर सर्वाइकल स्टेनोसिस देखने को मिल सकता है, मतलब सर्विक्स नैरोइंग हो सकती है इसमें, या फिर प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है। हो गया,